चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लीविंग द सेम रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो हमें वो बड़े से बड़े नंबर फाइंड करना है जिससे यदि हम 615 और 963 को अगर डिवाइड करते हैं तो दोनों ही केसेस में हमें 6 रिमाइंडर मिलना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 615 और 963 में से अगर 6 को मैं माइनस करता हूँ तो जो हमें नंबर्स मिलेंगे दैट मीन्स कि वो नंबर हमारे रिक्वायर्ड नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। ओके क्या मतलब हुआ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 615 माइनस 6 करता हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे 609, ठीक है। देन 963 अगर माइनस 6 करता हूँ तो मुझे मिलेगा 957। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 609 और 957 ये जो दो नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे रिक्वायर्ड नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दो नंबर थे 615 963 अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो हमें 6 रिमाइंडर मिल रहा है, तो जो रिमाइंडर मिल रहा है उसको हमने पहले ही सबट्रैक्ट कर दिया है। दैट मीन्स कि 609 और 957 अब एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे और हमें लार्जेस्ट नंबर बताना है। दैट मीन्स कि हमें इसका HCF लेना है, ठीक है। तो उसको हम डिविजन मेथड से करते हैं। जरा देखिए 609 से अगर हम किसको डिवाइड करें, 957 को, ठीक है। ये वन टाइम डिवाइड होगा, ये मिल गया मुझे 609। यहाँ पर आया 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिल रहा है 8, और देन यहाँ पर 4, 9 में से 6 माइनस किया तो 348। ओके फर्दर 348 से 609 को हम डिवाइड करते हैं। देखिए वन टाइम डिवाइड होगा 348, 9 में से 8 माइनस किया 1 मिल गया मुझे, यहाँ पर 10 में से 4 माइनस किया तो 6, 5 में से 3 माइनस किया 2, ओके 261। फर्दर 261 से हम 348 को डिवाइड करते हैं, ये वन टाइम डिवाइड होगा, ये आ गया 261। यह 714 में 6 माइनस के 87, देन 87 से फर्दर 261 को डिवाइड करेंगे। देखिए 87 ये 9327 थ्री टाइम चले जाएगा, ये देखिए 7321 283024 और 226, तो रिमाइंडर मुझे मिल गया 0। और इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। वाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा उसके अकॉर्डिंग इसको अगर हम अरेंज करें तो हम बोलेंगे 957 इज इक्वल टू 609 इनटू 1 प्लस 348। 609 इनटू 1 प्लस 348 इज इक्वल टू 957। देन 609 इज इक्वल टू फर्दर ये डिविडेंड यहाँ पर अब 609 है तो इसको लिख सकते हैं हम 348 इंटू 1 प्लस 261। ओके देन 348 इज इक्वल टू 261 इंटू 1 प्लस 87। ओके देन 261 इज इक्वल टू 87 इंटू 3, रिमाइंडर 0 यहाँ पर। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर हमें HCF क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है HCF 87 और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसका आंसर हुआ 87। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032m माइनस 408 इंटू 5.m। हमें यहाँ क्या बताना है कि अगर 408 और 1032 के अगर HCF को अगर इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हम पहले हम 408 और 1032 का HCF फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। ओके देखिए उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, 408 से 1032 को हम डिवाइड करते हैं। ओके ये टू टाइम डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 816, 12 में 6 माइनस किया 6, देन 2 में से 1 माइनस किया 1 और यहाँ गया 216। फर्दर 216 से 408 को डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम डिवाइड होगा 216, यहाँ आ रहा है 2, 10 में से 1 माइनस किया तो कितना मिलेगा हमें 9। ओके और ये 192। फर्दर इससे हम 216 को डिवाइड करें, देखिए वन टाइम डिवाइड होगा 192, 6 में से 2 माइनस किया 4, देन 11 में से 9 माइनस कर रहे हैं 24। ओके फर्दर 24 से 192 का अगर डिवाइड कर रहे हैं 8 4 जा 32, देन 8 टाइम जाएगा, देखिए है ना
24 इंटू 8 192, रिमाइंडर 0, तो यहाँ लास्ट डिवाइजर 24 है, तो यही हमारा एस सी एफ होगा। अब इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। ओके, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1032, इसको हम लिख सकते हैं 408 इंटू 2 प्लस 216, देन 408 को लिख सकते हैं हम 408 इज इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस 192, फर्दर 216 को हम लिख सकते हैं 216 इज इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस 24, देन 192 इज इक्वल टू आ गया 24 इंटू 8, यहाँ लास्ट रिमाइंडर यहाँ पर 24 है, या फिर लास्ट डिवाइजर बोलना चाहिए यहाँ पर 24 है, तो वही क्या हो गया हमारा एच सी एफ हो गया। तो यहाँ हमें मिल गया एच सी एफ कितना 24, तो ये बोल रहा है कि एच सी एफ को अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो देखिए 24 नाउ 24 इज इक्वल टू 1032m माइनस 408 इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई करके इधर ट्रांसफर करते तो ये हो जाएगा 1032m इज इक्वल टू 24 प्लस 85 जब 40 4 इंटू 5 20 2040 प्लस 24 ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, m इज इक्वल टू ये ऐड किया तो ये आ गया 2064 डिवाइडेड बाय 1032, दैट मीन्स ये टू टाइम्स, देखिए इसका डबल है 1032 का 2064, तो टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई 2, और यही हमारा आंसर है। m की वैल्यू पूछी थी तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द एच सी एफ ऑफ 657 एंड 963 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 657x प्लस 963 इंटू माइनस 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अगर हम 657 और 963 के एच सी एफ को इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए पहले हमें 657 और 963 का एच सी एफ फाइंड करना होगा, तो हम डिवीजन मेथड से करते हैं। देखिए 657 963, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 963 को 657 से, तो वन टाइम डिवाइड होगा 657, 13 में से ये 7 माइनस कर रहे हैं तो कितना आ गया 6, ओके 5 में से 5 माइनस किया तो 0 और ये आ गया 306। बस हम 306 से 657 को माइनस करेंगे 306, 2 टाइम्स करेंगे तो 612, 2 टाइम्स डिवाइड होगा 612, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिल गया हमें यहाँ पर 5, और देन 5 माइनस 1 किया तो 445, फॉर द 45 से डिवाइड करना है 306 को, 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 3 27, 2 यानी 6 टाइम डिवाइड होगा ये 270। ठीक है, देखिए 6 कितना आ गया यहाँ, 6 हो गया, अब यहाँ पे 10 में से 7 माइनस करते तो 3 आ रहा है, ओके तो 36 मिल गया, देन 36 से फर्दर 45 को डिवाइड किया, वन टाइम डिवाइड हो रहा है 36, यहाँ मिल गया मुझे 9, 9 से 36 को डिवाइड करा तो 9 4 जा 36, रिमाइंडर 0, तो लास्ट डिवाइजर 9 है, वही हमारा एच सी एफ होगा। अब इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना, इसको हमने क्या किया बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके अकॉर्डिंग इसको अगर हम अरेंज करें देखिए कितना हो जाएगा, 963 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 657 इंटू 1 प्लस 306, ओके देन 657 इज इक्वल टू हम लिख सकते 306 इंटू 2, 306 इंटू 2 प्लस 45, ठीक है, देन 306 को हम लिख सकते हैं 306 इज इक्वल टू 45 इंटू 6 प्लस 36, फॉर द 45 इज इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस
9, ठीक है, देन हम 36 को लिख सकते हैं, 9 into 4, तो 9 हमारा क्या हो गया यहाँ पर, HCF हो गया, हमें HCF मिल गया 9, ठीक है, हमें HCF कितना मिल गया 9, अब इस HCF को हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 657X प्लस 963 इंटू माइनस 15 इज इक्वल टू 9, इसको हम वहाँ ट्रांसफर करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 657X इज इक्वल टू 9 प्लस 15 थ्री ज़ा 45, 4 कैरी ओवर 15, 6 ज़ा 90 प्लस 4 90, 4 9 कैरी ओवर 15, 9 ज़ा 135 प्लस 9 144, ओके, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा, उसको ऐड करेंगे तो 144 45 प्लस 954 डिवाइडेड बाय 657, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 3 से कैंसिल किया तो कितना मिल गया, 3 4 जा 12 24 3 8 जा 24 3 1 जा 3 फिर 24 3 8 जा 24 फर्दर, फिर यहाँ से 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 27 3 9 जा 27 फर्दर, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 18 3 6 जा 18 0 3 6 जा 18 3 7 जा 3 3 जा 9 73 प्राइम नंबर मिल गया, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करता तो 730 मिलता मुझे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1473 730 का डबल है ना, तो कितना मिलेगा 1460, दैट मीन्स ये देखिए 3 2 जा 6 तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो हमें 22 टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है इससे, 22 टाइम्स, तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 22, और ये हमारा आंसर है, ओके अगला क्वेश्चन है हमारा, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो हमें दिया हुआ है कि 616 मेंबर्स का एक आर्मी कंटिंजेंट, एक सैनिक दल है, ओके, अब इसको हमें इसको मार्च करना है, 32 मेंबर्स जो बैंड मेंबर्स है 32 उनके पीछे मार्च करना है, किसी परेड के लिए मार्च करना है, पर उसको इस तरह से हमें अरेंज करना है कि वो क्या होना चाहिए, उनसे नंबर ऑफ कॉलम्स हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो देखिए जैसे सपोज ये बैंड मेंबर्स हैं और इनके पीछे वो क्या होना चाहिए, जो आर्मी कंटिंजेंट है उनके मेंबर्स इसके पीछे आना चाहिए, पर हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 616 और 32 इसका HCF लेंगे, है ना, तो ये कुछ इस तरह से अरेंज हो सकते हैं, सपोज ये मैं रेड मार्कर से जो मैंने मार्क किया है ये बैंड मेंबर्स हो गए, इसके पीछे इस तरह से और क्या जो आर्मी कंटिंजेंट है उनके मेंबर्स आएंगे, ठीक है, तो इसके नीचे कंटिन्यू, अब हमें देखना पड़ेगा कि वो कितने कॉलम में अरेंज होते हैं, तो उसके लिए हमें HCF लेना पड़ेगा 616 और 32 का, ठीक है, देखिए फॉर HCF ऑफ 32 एंड 616, तो पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं, तो 32 से हम डिवाइड करेंगे 616 को, अब आप देखिए ये 616 को डिवाइड करना ये 32 है, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 320 हो जाएगा, उसका अगर डबल करता हूँ तो अप्रॉक्स 6 डबल करूँगा तो 640 हो जाएगा, और 640 इसके काफ़ी नियरेस्ट इससे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अगर उसमें से मैं 32 माइनस कर दूंगा दैट मीन्स कि ये 19 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो 19 टाइम डिवाइड होगा, 19 टू ज़ा 38 3 कैरी ओवर 19 थ्री ज़ा 57 प्लस 3 60, तो 608 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिल गया, 16 में से 8 माइनस किया तो ये 8 मिल गया हमें, ओके, तो 8 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, देन फर्दर 8 से 32 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 8 4 ज़ा 32 रिमाइंडर 0, दैट में हमारा HCF कितना हो गया, 8 मिल गया, अब इसको हम यूक्लिड डिविजन लेमा के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं, बाय यूक्लिड डिविजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, अगर इसको इसके अकॉर्डिंग अपन अरेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, ओके, देन 32 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 4, तो यहाँ हमारा HCF कितना आ गया, HCF मिल गया हमें 8, जो लास्ट डिवाइजर रहता है वो HCF होगा, तो यहाँ HCF मिल गया 8, और यही हमारा आंसर है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको कितने
8 कॉलम्स में अरेंज करना होगा। अब देखिए आंसर क्या मिल गया हमें, 8 कॉलम। इसका मतलब ये हो गया कि जो बैंड मेंबर्स है ये तो हमें कंफर्म है कि अब हमें कितने 8 कॉलम्स में इनको अरेंज करना है, पर बैंड मेंबर्स कितने, 32 बैंड मेंबर्स हैं। दैट मींस कि हमें उनकी कितनी रो मिलेगी, 4 रोज मिलेगी। 4 रोज में वो अरेंज हो जाएंगे। एक रो में 8 बैंड मेंबर्स आ रहे हैं तो 4 रो में कितने हो जाएंगे, 32। इस तरह से ये 4 रो होगी बैंड मेंबर्स की, तो 32 वो अरेंज हो जाएंगे। ओके, और इसी तरह से ये जो रोज अरेंज हो रही है, जैसे पहली रो में 8 मेंबर्स हो गए आर्मी कंटिजेंट के, दूसरी रो में फिर 8 हो गए, तो इस तरह से ये टोटल 77 आठ आठ के हिसाब से हम 77 × 8 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 616। दैट मीन्स कि ये 77 क्या होंगे, इनके रोज में अरेंज होंगे। पर हमें पूछा क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, तो उसका आंसर क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 8 होना चाहिए।